बर्थडे सेलिब्रेट, जो कि बहुत ही मजा आ रहे हैं यहाँ। हम चारों बहनों की ईदी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आज है ईद का थर्ड डे, तो आज हम जा रहे हैं मम्मा के घर और यहाँ पर लेके हैं, सब हैं रेडी, रेयान माजी रेडी हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं और मेरे ये ड्रेस। थर्ड डे का ईद का कैसा लग रहा है आप सबको? और आज जाहिर सी बात है ईद का थर्ड डे है, तो आज है लास्ट डे, तो थर्ड डे हमारा होता है मम्मा के घर का दिन। तो चले बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को कितनी है खुशी आज नानों के घर जाने की। तो आप लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं? नानों के घर। नानों के घर, और नानों के घर आप किससे मिलने जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं नानों के घर? किसी से मिलने नहीं जा रहे, ईदी लेने जा रहे हैं। ये तो वाकई होती है बच्चों की ईद, और बड़ों के होते हैं बड़े बड़े खर्चे। तो जी आगे की शेयरिंग में आपके साथ वही मामा के घर जाके शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं मामा के घर पे। हम यहाँ मम्मा के घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं ईद का थर्ड डे सेलिब्रेट, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहे हैं। यहाँ हमारे हैं प्यारे प्यारे से बच्चे और यहाँ हम सब आ चुके हैं, सारी बहनें हम यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह से, चारों बहनें और भाभी हम सब रेडी हैं। मैं भी दिखाती हूँ बच्चों की तैयारी और ईद की तैयारी। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हाँ सबने की है मैचिंग मैचिंग ड्रेसिंग, तो आपको मैं दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ अपने घर के बच्चों को। बच्चों के साथ गाँव चलते हैं बच्चों का देखने के लिए। ये देखें, ये हमारे घर के प्यारे प्यारे से बच्चे और सब गर्ल्स ने एक जैसे पहनी है, इनकी है तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, और ये सब ने दिए हैं ईदी पर, तो आपको ये बच्चों से मिलवा रहे हैं। बच्चों सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे प्यारे प्यारे सी गर्ल्स और सब बहनों की बच्चियाँ, मेरे तो खैर नहीं है रेयान बाजे यहाँ भाई के और बहनों के बच्चे हैं माशाल्लाह से। अब हम आपको मिलवाते हैं अपने बॉयज से, जो कि बड़े शरारती से और बहुत हैं चुलबुले से, तो अब उनसे भी मिलवाते हैं आपको। ये है हमारे घर के बॉयज, ये हैं, ये देखें, ये हैं हमारे घर के सारे बॉयज, और ये है रेयान माज, और यहाँ है मेरी दोनों बहनों के बच्चे और भाभी के बच्चे। माशाल्लाह से बॉयज़ तो होते हैं ज़्यादा शरारती, तो इसलिए इन लोगों की ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकती। ईद के हवाले से इन्होंने एक वीडियो तैयार की है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारी सारी गर्ल्स ने, और ये बहुत प्यारी ये ईद के हवाले से नज़म तैयार की थी इन लोगों ने, और बड़ी प्रैक्टिस की। उसकी प्रैक्टिस के बाद भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत प्यारी से हमारी घर की बच्चियाँ हैं। और हम अब दिखाते हैं खाना, जो कि आज बन चुका है और हम खा रहे हैं। लग चुका है ये दस्तरखान, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आज क्या पकवान बने हैं। तो ये है मज़ेदार है बिरयानी, बीफ बिरयानी है ये, और ये है कोरमा, चिकन का कोरमा बनाया है, और ये मज़ेदार से शामी कबाब जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मीठे में है खीर। सारी ही चीज़ें माशाल्लाह से बहुत यमी लग रही हैं और भूख बहुत बढ़ रही है। तो अब हम बस दस्तरखान लग चुका है, यहाँ सब बैठने वाले हैं खाना खाने के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पढ़ने वाली है ईदी, तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और दिखाते हैं सब बच्चों की ईदी और अपनी ईदी। यहाँ ये देखें, ये हैं वसीला फजीला मेरी दोनों ट्विन सिस्टर्स, और ये हैं मम्मा, और हम यहाँ लेने वाले हैं मम्मा से ईदी। मम्मा हमारी ईदी, वाओ, थैंक यू थैंक यू। ईद मुबारक किसे दिन की? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये है हम चारों बहनों की ईदी, वो दूसरी वाली कमरे में, लेकिन यहाँ पर हम तीन हैं बहनें, और ये मम्मा अबू की तरफ से हमारी ईदी। मजा आता है ना ईद लेने में। ये है हमारे घर के सारे बच्चों की ईदी, जो कि अभी बटने वाली है, और बच्चे हैं मुंतजर हमारे यहाँ पर, सारे बैठ के देख रहे हैं कि हमें ये सब ईदी कब मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने बच्चों की तरफ। तो यकीनन ये छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।